अपने शरीर की बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर है डायबिटीज की प्रॉब्लम। अगर आपको डायबिटीज है तो आप कच्चा प्याज 3 महीने खाली पेट खाकर देखिए। आप मेरे कहने पर एक बार खाकर देखिए, आपकी डायबिटीज की दवाई छूट जाएगी। जो डॉक्टर ने आपको कहा है कि डायबिटीज लाइलाज है, दवाई जिंदगी भर खानी ही पड़ेगी, आप भी हैरान हो जाएंगे। 3 महीने में आपकी दवाई छूट जाएगी सिर्फ प्याज के जरिए, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होने से डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन की कमी को ये प्याज पूरा करता है, क्योंकि कच्चा प्याज हमारी बॉडी में पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इंसान की डायबिटीज अपने आप कंट्रोल में होने लगती है। सिर्फ 3 महीने के अंदर डायबिटीज आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो कच्चे प्याज का सेवन करें। कच्चे प्याज के सेवन से हमारा वजन भी घटता है। बहुत से लोग आजकल वजन बढ़ने से परेशान हैं। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं बिना डाइटिंग, बिना एक्सरसाइज, बिना जिम जाए, तो कच्चा प्याज खाइए। सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाने से हमारे पेट के अंदर ढेर सारा फाइबर जाता है। ये फाइबर हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है और डाइजेशन पावर को मजबूत करता है, जिससे हमारा वजन ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। लगातार 1 महीना आप सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाकर देखिए, आपका 5 से 10 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा। वजन कम करने के साथ साथ कच्चा प्याज हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। आपने अक्सर ही देखा होगा कच्चे प्याज का रस आंखों में डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी आपको मार्केट में दवाइयां भी मिलेंगी जिसमें कच्चे प्याज का इस्तेमाल होता है और उससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। आयुर्वेद में इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कच्चे प्याज का रस आंखों की रोशनी बढ़ाता है। और दूसरा, आप कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाने से भी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी आंखों के ऊपर चश्मा लग चुका है, आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, तो 2 काम आपको करने हैं। एक तो आपको कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाना है और दूसरा, कच्चे प्याज का रस निकालकर उसे आंखों में 1-1 बूंद हर रोज डालना है। सिर्फ इतना करने से 1 से 2 महीने में आपका चश्मा उतर जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो कच्चा प्याज आपके लिए बहुत अच्छा है। कच्चे प्याज को खाली पेट खाने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। अगर आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम काफी पुरानी है, यानी 10-20 साल पुरानी, तो आपको लगातार 3 से 6 महीने कच्चा प्याज खाली पेट खाना होगा। इससे आपकी पुरानी से पुरानी हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, आप इसे छोटा ना समझे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे साइलेंट किलर कहा है। हाई ब्लड प्रेशर यानी साइलेंट किलर है, इसका मतलब है ये बीमारी चुपके से आपकी जान ले सकती है, धीमे से आपको मारती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में आपका खून गंदा हो जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे आपके दिल को खून को पंप करने में जोर लगाना पड़ता है। इससे हमारी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है और इसी कारण से आर्टरीज में ब्लॉकेज भी होने लगती है। इस ब्लॉकेज की वजह से इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। इतना ज्यादा प्रेशर होने पर हमारे दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जिससे फिर आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो प्लीज आप इस हाई ब्लड प्रेशर को सिंपल मत समझें। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज प्याज के जरिए जरूर करें और इसका परमानेंट इलाज करें, क्योंकि ये बीमारी जान ले सकती है। इसके अलावा प्याज का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये क्या है? ये हमारी बॉडी में एक डॉक्टर है। हमारी बॉडी अपने आप से हमारी बीमारियों को ठीक करती है। अगर आपको कभी जुकाम हो जाता है तो आप दवाई मत खाइए। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। ये कैसे ठीक हुआ? हमारे अंदर के डॉक्टर ने किया। हर एक की बॉडी में डॉक्टर है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी इम्यूनिटी को यानी अंदर के डॉक्टर को काम ही नहीं करने देते। जैसे ही जुकाम होता है हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेते हैं। उस दवाई को लेने से हमारे अंदर के डॉक्टर को हम डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि बीमारी अपने आप ठीक होने की वजह पर उस दवाई के जरिए ठीक होती है। लेकिन उस दवाई से जब बीमारी ठीक होती है तो वो ठीक नहीं, बल्कि बीमारी बॉडी में अंदर सप्रेस हो जाती है, जिस कारण से ये बीमारी बड़ी बनकर बाहर निकलती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से सिर में दर्द होने पर अगर आप टैबलेट्स लेते रहेंगे तो ये आगे चलकर प्रॉब्लम माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होने पर दवाई लेते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको किडनी फेलियर का कारण बनती है। तो अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कच्चे प्याज का सेवन सुबह खाली पेट जरूर करें। एक छोटा सा कच्चा प्याज सुबह खाली पेट सफिशियंट है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। कच्चा प्याज खाने से हमारी बॉडी की अंदर की शक्ति बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को शक्ति मिलती है। दरअसल कच्चा प्याज एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरल गुणों से भरपूर होता है, जिस कारण से ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और लड़ने की शक्ति देता है। इतने नहीं दोस्तों, कच्चा प्याज हमारी बॉडी में खून की कमी को भी पूरा करता है। अगर आप हर रोज कच्चा प्याज खाते हैं तो आपकी बॉडी में कभी खून की कमी नहीं होती, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग कई तरह के टैबलेट्स लेते होंगे, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कच्चा प्याज खाना शुरू करें, इससे आप देखेंगे आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कच्चा प्याज कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है।
क्योंकि कच्चा प्याज हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। कच्चा प्याज एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ये कैंसर जैसी बीमारी से भी हमें बचा कर रखता है। हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन उन सेल्स को कभी भी विकसित नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चीजें खानी होती हैं, जिनमें प्याज सबसे अच्छा है। जो लोग हर रोज कच्चा प्याज खाते हैं उनको कभी कैंसर नहीं होता। और आप जानते हैं कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी है। बहुत से लोग इस बीमारी का नाम तक नहीं लेना चाहते। बहुत से लोग इसे दूसरी बीमारी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इस बीमारी का नाम लेना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, अगर आप कच्चा प्याज नहीं खाते तो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स विकसित हो सकते हैं। तो प्लीज कच्चा प्याज जरूर खाएं ताकि कैंसर से बच सकें। कच्चा प्याज खाने से बाल भी झड़ने से रुकते हैं। आजकल बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बाल झड़ते रहते हैं, और बहुत से लोग तो गंजे भी हो चुके हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, गंजे तक हो चुके हैं, तो कच्चे प्याज का आप जरूर सेवन करें। इसके अंदर का सल्फर आपके बालों को उगने में मदद करेगा। साथ ही साथ आप कच्चे प्याज का रस निकालकर अपने बालों की जड़ों में लगाएं। इससे भी आपके बालों की जड़ों को मजबूती मिलेगी और आपके बाल झड़ने बंद होंगे। सिर्फ एक महीने कच्चा प्याज खाने से और बालों पर लगाने से आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से कच्चे प्याज के जरिए देखिए हम कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि हम कहते हैं कि हमें ढेर सारी बीमारियां हैं, हर घर में बीमारी है, हम बीमारियों से परेशान रहते हैं। दरअसल हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग सही ढंग से खाते पीते नहीं है। अगर आप लोग ठंडा पानी पीते हैं तो आप बीमारियों से घिरे ही रहेंगे। अगर आप हर समय चीजों को पकाकर खाते हैं तो आप बीमारियों से घिरे ही रहेंगे। अगर आप चीजों को कच्चा खाते हैं तब आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दुनिया पर रहने वाला कोई भी जीव खाने को पकाकर नहीं खाता। सिर्फ एक इंसान है जो चीजों को पकाकर खाता है। कुदरत ने कोई भी चीज पकाकर खाने के लिए बनाई ही नहीं है, ये तो चीजें हमने बनाई हैं। इसी कारण से हमारी बॉडी बीमारियों से घिरी रहती है, क्योंकि चीजों को पकाकर खाने से वो चीजें मर जाती हैं। अगर आप किसी चीज को आग पर रखते हैं तो वो चीज सड़ जाती है। अब सड़ी हुई चीज, मरी हुई चीज आपको कहां से जिंदगी देगी? आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह कच्चे प्याज के जरिए और कच्ची चीजें खाने से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे दूसरों का भी फायदा हो सकता है।